अयोध्या में राम के नाम पर ठगी, जाल में फंसे कई राम भक्त, जाने कैसे हो रहे लोग शिकार। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की हुई भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आ रहे हैं तो उन्हें रुकने के लिए होटल या धर्मशाला की भी जरूरत होती है। यहीं से ठगों का खेल शुरू होता है। अयोध्या में ऐसे मामले इन दिनों लोग ऑनलाइन बुक करके होटल या धर्मशाला पहुंच रहे हैं, मगर यहाँ आने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि उनके नाम पर तो कोई कमरा बुक ही नहीं है। वहीं किसी ने अयोध्या आने से पहले ठहरने के लिए होटल में ऑनलाइन कमरा बुक किया, मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि इस नाम का तो होटल है ही नहीं। वह तो इन ठगों का शिकार हो गए हैं, जो अलग अलग होटल और धर्मशाला के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कमरा बुक करने के नाम पर मोटा चूना लगा रहे हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बताएं, क्या ठगों को रोकने में योगी सरकार नाकाम रही है? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे हो रहा है आस्था के साथ खिलवाड़। खेल कुछ इस तरह से होता है कि कुछ ऐसे होटल हैं जिनका अयोध्या में वजूद ही नहीं है, वहीं कुछ ऐसे होटल हैं जो ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं करते हैं। उनके नाम से वेबसाइट बनाई जाती है, वेबसाइट में कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है, लोग जब उस पर फोन करते हैं तो उन्हें कमरे का रेट ज्यादा बताया जाता है, फिर कहा जाता है कि इस समय स्कीम चल रही है लिहाजा पैसा कम हो जाएगा। अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो होटल और धर्मशाला में कमरे की उपलब्धता कम होती है, ऐसे में बाहर से आने वाले लोग ऑनलाइन कमरा बुक करना उचित समझते हैं। इन्हीं लोगों की ताक में साइबर ठग रहते हैं, जो किसी न किसी तरीके से इनको अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ तक कि बुकिंग के बाद साइबर ठग जिस होटल या धर्मशाला का नंबर देते हैं उसको भी डायल करने पर उसी धर्मशाला या होटल का नाम आता है जिसमें बुकिंग करने के नाम से पैसा वसूल गया होता है। यह नंबर उस समय बंद रहता है जब इन ठगों के जाल में फंसा व्यक्ति अयोध्या पहुंचता है और रूम ना मिलने पर फोन करता है। कभी कभी अगर फोन उठ गया तो बात करने के बजाय टाल दिया जाता है। ठगों को नहीं रहा पुलिस का डर। अयोध्या में इस तरह की घटनाएं इन दिनों आम हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि पथ के ठीक सामने ही बिरला धर्मशाला है, वहाँ अब तक इस तरह की लगभग 30 घटनाएं हो चुकी हैं। हम जब वहाँ पहुंचे तो एक घंटे के दौरान ही लगभग 4 ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिरला धर्मशाला की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कमरा बुक किया था। इनमें से 3 लोगों ने तो भुगतान भी कर दिया था, मगर अयोध्या आने के बाद जब वे ठहरने के लिए पहुंचे तो बिरला धर्मशाला के मैनेजर ने बताया कि उनके ना तो कोई वेबसाइट है और ना ही ऑनलाइन रूम ही बुक होता है। उन लोगों ने बिरला धर्मशाला के नाम से बनी वेबसाइट दिखाई, वेबसाइट पर दिए नंबर से चैट दिखाई और ऑनलाइन भुगतान सबूत भी दिखाया, मगर सब बेकार। तब उन्हें पता चला कि वे तो साइबर ठगों के शिकार हो गए। वहीं बिरला धर्मशाला के मैनेजर की बात तो और भी चौंकाने वाली है। उनके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से अब तक अकेले उनके यहाँ 25 से अधिक इस तरह के मामले आ चुके हैं। उसने इसकी शिकायत चौकी से लेकर कोतवाली तक की, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई जांच पड़ताल। वेबसाइट वैसे ही चल रही है और लोगों को ठगा जाना लगातार जारी है।